दोस्तों, हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। फिलहाल वीडियो एडिट करके कंप्लीट हो चुका है, मैं वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है। मैं यहाँ पहले जॉब करता था तो मेरा यहाँ पे एक बैंक पासबुक था, वो थोड़ा कुछ उसका कुछ गंडगोल हो चुका है, उसे ठीक करवाना है और फिर आज शाम को मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा मैंने अभी फ़िलहाल सोच रखा है। अभी क्या होगा वो तो मुझे भी पता नहीं। फ़िलहाल वीडियो एडिट हो चुकी है, माथे से टेंशन ख़त्म हो चुका है। अभी इसे जल्दी से एक्सपोर्ट करके अपलोड करता हूँ और फिर दिन की शुरुआत करता हूँ। वैसे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, मैंने 2 दिन रहा, 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सनी भैया, मैं आ गया, आप दरवाज़ा खोल दो। आप भी सोचते हो गए ना साला, जब सोता हूँ तभी आता है तू, हाँ यही सोचते हो ना, जब सोता हूँ तभी आ जाता है तू। यार मुझे अपना बैंक का पासबुक बनवाना था। एक्चुअली मेरा जो पासबुक है वो यहीं का है, तो मुझे यहीं से बनवाना था, पर मैंने बैंक का लोकेशन चेक किया, आसपास नहीं है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। अब क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो अभी मैं नहा धोकर फ्रेश होता हूँ, अपना बोरिया बिस्तर समेटता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी गुमान सर से मिलना है और वो है बड़ोदरा में। मैं यहाँ से सीधे जयपुर के लिए निकल रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ सर से मिल के जाऊँ, क्योंकि यहाँ मेरा जो भी अस्तित्व है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके थ्रू जानता हूँ, और उनसे ही ना मिलूँ तो मुझे सही नहीं लगेगा। जब मैं बड़ोदरा से आ रहा था तो वो अपने घर गए हुए थे छुट्टी पे। अभी मैं यहाँ से अगर निकल जाऊँगा तो पता नहीं भविष्य में फिर कभी मिल पाऊँगा या ना पाऊँ, भविष्य किसने देगा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के सीधे बड़ोदरा जाऊँगा, सर से मिलूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा जयपुर के लिए। फ़िलहाल तो यार यहाँ पर गर्मी इतनी जानलेवा है, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ये था अपना कमरा, यहाँ मैं सोया करता था, यहाँ मेरा खटिया हुआ करता था, अभी भैया ने कब्जा कर लिया है। यहाँ मेरा मंदिर हुआ करता था। और एक गजब की चीज़ दिखाऊँ आपको, 5 महीने हो गए मुझे यहाँ से गए, ये जो लिस्ट है मैंने ही बनाया था। बेचारे थके हुए नाइट शिफ्ट करके आए, इन्हें छेड़ते नहीं हैं, नहा धोवा के बैग वैग पैक करके फिर यहाँ से निकलता हूँ। यार बहुत याद आते ये सब दिन, यहाँ मेरा चूल्हा हुआ करता था, यहाँ मैं खाना वाना बनाया करता था, यहाँ पड़ा रहता था, और मैंने जो लैपटॉप ख़रीदा था, लैपटॉप का कार्टून भी भैया संभाल के रखे यहाँ पर। बहुत सही है यार, बहुत सही, बहुत याद आते हैं ये सब दिन। पर वो कहते हैं ना, ज़िंदगी एक चैप्टर की तरह है, किताब की तरह है, जब तक हम पन्ना नहीं पलटेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आगे का चैप्टर कैसा है। तो बस वही कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी का चैप्टर पढ़ने के लिए मैं पन्ना पलट रहा हूँ, और बहुत सी अच्छी अनुभव मिल रही है और बहुत सी यादें भी छूट रही है। खैर नहा धो के फ्रेश होकर फिर यहाँ से निकलते हैं, मिलता हूँ। यार सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं, फाइनली नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, बोरिया बिस्तर भी पैक हो चुका है, अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। सच बता रहा, बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ। यहाँ आके कितनी खुशी महसूस हुई थी, इस रूम में मैं 1.5 साल तक रहा था, इतनी अच्छी यादें थी यहाँ पे, मैं सुबह सुबह को उठा करता था, यहाँ की खूबसूरती देखा करता था, वो सब बातें याद आ रही है। अब यहाँ से जाने को हो नहीं रहा मेरे को। वैसे सर मुझे बोल रहे थे 3-4 दिन रुक जाओ, यहाँ पे पूनम का बहुत बड़ा मेला लगता है। मैंने बोला सर अगर इतने दिन रुक जाऊँगा तो मेरा मनोबल टूट जाएगा, फिर मैं जा ही नहीं पाऊँगा। अभी भी मेरा यात्रा लगभग 20% बचा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि इस यात्रा में मैं अपना मनोबल तोड़ूं, वरना मेरे को रुकने का तो मन कर रहा था यहाँ पे 2-1 दिन रुक जाऊं। खैर निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, ख्याल रखना। बैग में इतना ओवरलोड हो चुका है कि बैग का सिलाई खुल रहा है, इसे मैंने कल बनवाया था दर्जी के पास, मैंने इसे सिलवाया था, पर अभी बैग में ओवरलोड होने के कारण फिर से खुल गया। मैं भैया के पास आया हूँ, भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा देर लग गया। मैं माता के दर्शन करके आ रहा हूँ भैया। अब भैया जब तक मेरा बैग सिलाई करेंगे
सामने ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ से निकलने से पहले एक बार माता के दर्शन कर लेता हूँ। अभी निकलूंगा खाना। कितने टाइम हो अभी, क्या बना रही हो खाने में? आधा घंटा तो लगेगा। अच्छा, आलू भाजी काट के रखी हो? चलो मैम, कृपा करिएगा, दुआ करिएगा। बाप रे बाप, इतनी धूप है इधर। चलो मैम, बाय बाय, टेक केयर। यार कसम से धूप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ से सीधे निकलूँगा, बस पकड़ूँगा और बस पकड़ के सीधे निकलूँगा बीनाम का रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ से निकलूँगा वडोदरा। चलो फिर। चलो यार, फाइनली बस आ गई और ये बस सीधे बीनम गाँव जा रही है। हाय हाय। खैर दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा मौर्या। भाई 2:10 हो चुके हैं और मेरी जो ट्रेन है वो 2:19 पे है। मैं पहुंच तो चुका हूँ, पता नहीं ट्रेन पकड़ पाऊँगा या नहीं। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है रेलवे स्टेशन। हे राम, मदद करे भाई साहब। किस्मत बहुत अच्छी थी, ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। अब जल्दी से बस ट्रेन में बैठ जाता हूँ, बस 2 मिनट का हॉल्ट है। जनरल डब्बा बहुत आ गया है, देखता हूँ ट्रेन स्टार्ट होगी तो बस स्लीपर में बैठ जाऊँगा। भाई कौन सा जनरल डब्बा है? बाप रे, चढ़ने की जगह ही नहीं है। कैसे होगा भाई, मैं जनरल क्लास के डब्बे में गया तो इतना कचाकच भीड़ थी भाई, खड़ा रहने का जगह नहीं था। और ये बैग लेके मैं वहाँ कैसे रहता 3 घंटे? मैं स्लीपर में चला आया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं टीटी आएगा, देखेगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैं बस बैठ गया, अब जो होगा। अब आराम भरोसे मैंने छोड़ दिया। ऑन बज चुका है, बस अब ट्रेन स्टार्ट होगी। भाई शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बड़ोतरा। यहां से मुझे एक बस लेनी होगी और 25-30 किलोमीटर आगे जाना होगा। सर ने हालोल ऐसा कुछ जगह का नाम बताया था। चलो पहुंच के मिलता हूं।
प्रभु हरे महादेव, कैसे हो सर? हरे महादेव, हरे महादेव। बहुत प्रेशर उठाई, बहुत वही साथ आपको पर रखे उतारा। क्या लग रहा है बाहर आ जा? अरे बाप रे, बहुत है ये। नौकरी उकरी छोड़ के चलो आप भी। कहाँ गए? मैं आवारा हूँ। वीडियो उतार रहे हो? मैं आवारा हूँ। कुछ छोटा बच्चा ही है तो तू था ना? इधर अच्छा अच्छा वीडियो चल रहा है क्या? सब चल रहा है। ये जब रहेगा तो चालू रहता है, कुछ ना कुछ नहीं कुछ चालू रहता है। खाना बन रहा है तो हम इससे काम चला रहे हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको? क्या बोलते हैं सर इसको? जो बोलते हैं खा लेते हैं। बस पेट भरने से बात, बस पेट में खड्डा फिर होना चाहिए। वो सेफ्टी वाला है, सेफ्टी में सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर। अच्छा चलो अपने ये फ्रेंड्स। अच्छा रात के 9 बजने वाले हैं, फाइनली नहा धोआ के इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। सुबह निकला था और अभी रात के 9 बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते फाइनली मैं मिल चुका हूँ गुमान सिंह से। सर कैसे हो? वो सही ना, यहाँ खाना वाना बन रहा है। आते ही मैंने अपना कपड़ा वपड़ा सब धो लिया है। गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सर लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। मैं भी यहाँ पर 1.5 साल रहा था, पर अभी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मैं बस इनसे मिलने के लिए चला आया था। वही कहता है ना, भविष्य किसने देगा है। यहाँ से निकलने के बाद पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। तो मैंने सोचा नहीं यार, यहाँ तो आया हूँ तो अब सर से मिल के जाऊँगा। बहुत सही लगा। अभी हम मत खाना वाना बन रहे हैं, खाना वाना खाते हैं फिर बातें वातें करते हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी एफ पी अंगली वी लाइव लिव ड्रीम चिक चिक। हरे महादेव सर, हरे महादेव।